बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो सऊदी अरबिया से लाई हूँ, ईद अल-अज़हा माशाल्लाह मस्जिद पहुँच चुके हैं। तो मैं इस वक्त एक ऐसी मस्जिद में मौजूद हूँ कि इसके सामने एक ख़ास चीज़ है। क्यों आया हूँ इसमें ये भी आपको बताता हूँ, और एक चीज़ जो ख़ास मैं आपको बता रखा हूँ वो भी यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ईद अल-अज़हा की बहरहाल नमाज के लाइव मनाजर आपके साथ शेयर करता हूँ जी। तो ये सामने मस्जिद में इस मस्जिद में क्यों आया हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी भाई 6 बजे के करीब मेरे हिसाब से जमात होगी ईद अज़हा की। तो अभी 6 नहीं बजे हैं, अभी टाइम बाकी है। तो दूसरे नंबर पर इस मस्जिद के सामने हम देखें ना, जो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ चाहता हूँ, वो सामने पहाड़ियों के ऊपर मैं अभी आपको कैमरा जूम करके दिखाता हूँ। वो सऊदी अरेबिया का भाई ये देख लें जी, ठीक है जी। ये सऊदी अरेबिया का सबसे खूबसूरत गाँव है जी। तो सऊदी अरेबिया में मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत गांव यही है फीफा। तो फीफा के नीचे बिल्कुल मस्जिद है। अभी मैं आपको ना कुछ लाइव मनाजर दिखाता हूँ मस्जिद के। तो अभी ईद नमाज हुई है। अच्छा, मैं ना आपको आगे बताता हूँ थोड़ी डिटेल, लेकिन ना अभी हम बाहर थे यहाँ पर, मैं आपको जगह भी ये दिखाता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या कि अभी ऊपर से समा यानी कि स्पीकर नहीं चल रहे हैं मस्जिदों के, तो इधर तक आवाज़ नहीं आ रही थी। हम नमाज ऐसे पढ़ रहे थे कि जब सजदे में जाते थे इस तरह थोड़ा सा देख लेते थे, हाँ आगे वाले उठ गए हैं तो उठ जाते थे जी। तो ईद मुबारक जी सबको, मेरी तरफ से ईद नमाज पढ़ी गई है अभी, तमाम दोस्त अखब आपको ईद मुबारक। अच्छा, मैंने ईद नमाज किधर पढ़ी है मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ। पहले ये देख लें जी, ये पीछे देख लें, और मस्जिद इस तरफ है। तो ईद नमाज मैंने इधर पढ़ी है। सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप बाहर खड़े हैं किसी कच्ची जगह में। यहाँ कच्ची जगह में इसलिए पढ़ी है भाई, यहाँ पर और भी बहुत से सऊदी हज़रात मेरे पास इस वक्त इधर भी मौजूद हैं, तो उन लोगों ने भी पढ़ी है। उधर आगे पक्की जगह से इधर कच्ची जगह में बेहतर है। दूसरा, आप भाइयों को थोड़ा दिखाना था इधर से लाइव मनाजर कुछ। तो ईद मुबारक फिर से जी मेरी तरफ से, आप सब भाइयों को अपने चल के क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।